स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का। आज मैं हमारे वीडियो नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो 12th बायो के हिंदी मीडियम क्लासेस के अंतर्गत मैं लेसन नंबर 3 शुरू करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश व भ्रूण का परिवर्धन। देखिए इस अध्याय के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत निम्न 12 पॉइंट है। ये जो 12 पॉइंट हैं, एक बार मैं इनको स्पष्ट कर रहा हूं। पहला जो हमारा पॉइंट है परागण से संबंधित है। इस पॉइंट के अंतर्गत हम परागण की परिभाषा और परागण के प्रकार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा जो पॉइंट है स्व परागण के लिए अनुकूलन, यानी स्व परागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां हैं, कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनके लिए हम अध्ययन करेंगे। और हमारे कोर्स में स्व परागण से संबंधित विशेषताएं या अनुकूलन निम्न 3 है, 3 विशेषताएं हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ाता हुआ पर परागण से के लिए अनुकूलन ये 5 हैं, और पर परागण की जो विधियां हैं ये भी हमारे कोर्स में 5 हैं। इसी प्रकार अगला जो हम 5वें पॉइंट का अध्ययन करेंगे असंगतता, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला हमारा जो 6वां पॉइंट होगा कि आवर्त बीजी पौधों में निषेचन या पुष्पीय पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। निषेचन की खोज कब और किसने की, और किस पौधे में की, कब किसने और किस पौधे में की। इसी प्रकार इसकी परिभाषा और पुष्पीय पौधों में या आवर्तबीजी पौधों में निषेचन के चित्र सहित इसके हम चरण का अध्ययन करेंगे। अगला हमारा 7वां पॉइंट होगा द्विनिषेचन व त्रिसंलयन, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इनकी हम एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से, 3 जो रासायनिक समीकरण के माध्यम से इनको परिभाषित करेंगे, और अंत में द्विनिषेचन का क्या महत्व होता है इसी पॉइंट के अंदर अध्ययन करेंगे। हमारा 8वां जो पॉइंट होगा भ्रूणकोश, आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणकोश किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार की संरचना होती है, और ये पुष्पीय पौधों में भ्रूणकोश परिवर्तन के आधार पर निम्न 3 प्रकार का होता है, उनका हम चित्र से अध्ययन करेंगे। हमारा जो अगला पॉइंट होगा 9वां, भ्रूण का विकास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसका चित्र के माध्यम से एकबीजपत्री भ्रूण का विकास और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन करेंगे। 10वें पॉइंट के अंतर्गत बीज का परिवर्धन, और 11वें पॉइंट के अंतर्गत फल का विकास, और लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा 12वां पीडी एकांतरण, इसका हम अध्ययन करेंगे। एक बार मैं पुनः हमारे लेसन नंबर 3 है हिंदी मीडियम की क्लास के अंतर्गत इसके बारे में पुनः रिपीट कर रहा हूं। परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश व भ्रूण का परिवर्तन, इस अध्याय के अंतर्गत कुल 12 पॉइंट हैं जिनके बारे में हम निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे। परागण, इसकी परिभाषा और इस परागण के प्रकार, तथा दूसरा जो पॉइंट होगा स्व परागण के लिए अनुकूलन या ऐसे पौधे जिनमें स्व परागण पाया जाता है
उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से युक्तियां होती हैं, कौन कौन से अनुगुण होते हैं, जो तीन है हमारे कोर्स में। इसी प्रकार कर्करागने के लिए अनुकूलन वो पांच है। जो चौथा पॉइंट है हमारा परपरागण की विधियां, ये भी परपरागण के लिए जो विधियां होती हैं वो पांच हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो पांचवा पॉइंट है असंतता, ये क्या होती है, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छठा पॉइंट है आवर्त विधि पौधों में या पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। निषेचन की खोज किसने की, कब की और किस पौधे में की, उसके बाद में इसकी परिभाषा और अंत में चित्र के द्वारा आवर्त विधि पौधों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो चित्र के माध्यम से इसके विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। फिर सातों पॉइंट जो होगा हमारा द्विनी क्षेत्र है त्रिसर्जनी। आठवां पॉइंट जो होगा हमारा भूमकोश, ये क्या होता है और इसका भूमकोश के आधार पर भूमि का जो प्रयोजन है वो निम्न की प्रकार से होता है, इसका चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। हमारा नौवां पॉइंट होगा भूमि का विकास। दसवां हमारा पॉइंट है बीज का परिवर्तन और ग्यारहवां जो हमारा पॉइंट होगा फल का विकास और बारहवां जो लास्ट पॉइंट है हमारा बीजे एकांतरण। अब कुल इस चैप्टर के अंदर 12 पॉइंट हैं, प्रत्येक का एक एक से डिटेल से हम एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए मैं शुरू कर रहा हूं। पहला जो हमारा पॉइंट है परागण पोलिनेशन, इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स, यानी इसकी परिभाषा और इसके प्रकार हम शुरू कर रहे हैं। इसके पश्चात इसी तीसरे पॉइंट में हमारा जो पहला पॉइंट है परागण पोलिनेशन, सबसे पहले इसकी परिभाषा इसके प्रकार देखिए। मैंने लेसन नंबर 2 के जरिए बताया था कि लघु बीजाणु धानी है परागकोश, इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। परागकण जैसे ही लघु बीजाणु धानी का स्फुटन हो जाता है तो ये परागकण है जो मुक्त हो जाते हैं और ये परागकण मुक्त होने के बाद पुष्प की वर्तिकागर पर पहुंचते हैं, वर्तिकागर पर पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं परागण। अर्थात परागकणों का पुष्प की वर्तिकागर पर पहुंचना परागण कहलाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, परागण की परिभाषा पोलिनेशन की परिभाषा कि परागकणों का पुष्प की वर्तिकागर पर पहुंचना परागण कहलाता है। और ये परागण निम्न दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण, नंबर 2 दूसरा है परपरागण। अर्थात परागण 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। पहले स्वपरागण के बारे में, स्वपरागण इसकी परिभाषा और इसके प्रकार कि जब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकागर पर या उसी पौधे की दूसरे पुष्प की वर्तिकागर पर पहुंच जाते हैं, जैसे ये यही है और दूसरे इस प्रकार के परागण यहीं पर पहुंच जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं स्वपरागण। एक बार पुनः, जब परागण एक पुष्प के जो परागण होते हैं वो उसी पुष्प की वर्तिकागर पर या उसी पौधे की दूसरी वर्तिकागर पर पहुंच जाते हैं उसे क्या कहते हैं स्वपरागण। और यह निम्न
दो प्रकार का होता है, निम्न दो प्रकार का होता है सयुग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। तो सौ परागण निम्न दो प्रकार का सयुग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। सयुग्मन के बारे में इस प्रकार के परागण की प्रक्रिया में केवल एक ही पुष्प के जो परागण परागण होते हैं उसी पुष्प के परागण के द्वारा परागित हो जाते हैं, अर्थात पुष्प अपने ही परागण के द्वारा परागित हो जाता है। इसमें केवल एक पुष्प की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे मटर। दोबारा से सब परागण के बारे में, इस प्रकार के परागण की प्रक्रिया में पुष्प अपने ही परागणों के द्वारा परागित हो जाता है। इस प्रकार के परागण की प्रक्रिया में केवल एक पुष्प की आवश्यकता होती है, जैसे उदाहरण के लिए मटर। दूसरा है सजात पुष्पी परागण। इस प्रकार के परागण में पुष्प अपने ही परागण यानी उसी जात पौधे के दूसरे पुष्प पर परागित हो जाता है, अपने ही जाति के पुष्प से परागित होता है, जिसमें दो पुष्प की आवश्यकता होती है। जैसे इसके उदाहरण है मक्का, लौकी, तुरई, ये इसके सजात पुष्पी परागण के उदाहरण है। इसके पश्चात हमारा पहला पॉइंट समाप्त, दूसरा पॉइंट शुरू कर रहा हूं सब परागण के लिए अनुकूलन। देखिए ये पौधे जिनमें सब परागण की प्रक्रिया पाई जाती है उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ अनुकूलन होते हैं, इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए इसी तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हमारा जो इसी का दूसरा पॉइंट चल रहा है सब परागण के लिए अनुकूलन। ऐसे पौधे जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है उन पौधों की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं, कुछ इस प्रकार की शर्तें होती हैं जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है, और वो विशेषताएं वो अनुकूलन निम्न तीन प्रकार के हैं। पहला है नंबर एक उभयलिंगता। नंबर दो, दूसरा तो होता है समकाल पक्वता। और जो तीसरी जो विशेषताएं होती है, तीसरा जो अनुकूलन पाया जाता है इस प्रकार के पौधों में, उन्हें कहते हैं अनुन मिलेता। तो ऐसे पौधे जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है उनमें निम्न तीन प्रकार के अनुकूलन या तीन प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले उभयलिंगता, नंबर दो पर समकाल पक्वता, नंबर तीन अनुन्मिलता। एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। वापस नंबर एक उभयलिंगता, पहले नंबर एक पर उभयलिंगता। ऐसे पौधे जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है तो इस प्रकार के पौधों में उनके जो पुष्प होंगे वो ऐसे कुछ उभयलिंगी पुष्प होते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले स्वपरागण की प्रक्रिया उन्हीं पौधों में होगी जिनमें उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है, अर्थात उभयलिंगी का पुष्प का मतलब है कि एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग स्थित होते हैं या पाए जाते हैं। एक ही पुष्प में नर व मादा जननांग होते हैं, ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब इस प्रकार का गुण होगा कौन कौन से पौधे ऐसे, जैसे उद्यान मटर है, दूसरा है नारियल, तीसरा इसका उदाहरण है सरसों, चौथा इसका उदाहरण है
चौथा रिस्क का उदाहरण है सरसों व एटीसी। इसी प्रकार दूसरा है समकाल पपीता, ऐसे पौधे जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो इस प्रकार के पौधों के कोमल व जायांग, कोमल व जायांग एक साथ, कोमल व जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। इस प्रक्रिया को समकाल पपीता कहते हैं। क्या कहते हैं? समकाल पपीता। अर्थात जब उस ऐसी प्रकार के पौधों के कुमंग व जायांग, नचनांग और मादनांग एक साथ परिपक्व होते हैं, इस प्रकार के पौधों को समकाल पपीता कहते हैं। और इसके उदाहरण है, जैसे इस प्रकार के पौधों के उदाहरण है जैसे गुलंबास है, सदाबहार है, ग्रेविया है। इसको गुलंबास को कहते हैं, मिराटिस जलापा भी कहा जाता है, तो ओफलो प्लांट भी कहा जाता है। इसी प्रकार तीसरा है अनुलता। तीसरी जो तो इनकी विशेषता है स्वपरागण के लिए सकते हैं अनुलता। देखिए कुछ इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनके पुष्प कभी नहीं खिलते, इनके पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं, फिर भी इस प्रकार के पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे इसके उदाहरण है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा जंकस व वायोला। ये इस प्रकार के पादप हैं जिनके पुष्प कभी नहीं खिलते, फिर भी इनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। एक बार इनको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, स्वपरागण के लिए अनुकूलन, स्वपरागण के लिए युक्तियां, स्वपरागण के लिए कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है उनमें कुछ विशेषताएं या गुण पाए जाते हैं, कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, उभयलिंगता, नंबर दो समकाल पपीता, नंबर तीन अनुलता, वापस नंबर एक पर उभयलिंगता। ऐसे पौधे जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है, इस प्रकार के पौधों में उनके पुष्प जो होते हैं वो उभयलिंगी पुष्प होते हैं। अर्थात इस प्रकार के पुष्प जिनमें नर एक ही पुष्प के अंदर नर व मादा जननांग होते हैं, उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। इसकी उदाहरण है उद्यान मटर, दूसरा है नारियल, सरसों और इसके अन्य उदाहरण है। नंबर दो समकाल पपीता, इसके बारे में कि ऐसे पौधे जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है, इस प्रकार के पौधों के पुष्प के कुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, उन्हें समकाल पपीता कहते हैं। जैसे सदाबहार है, गुलंबास है जिसे मिराबिली जलापा नामक पादप भी कहा जाता है, ग्रेविया है, पीली कटेरी है, इसके उदाहरण हैं। तीसरी विशेषता अनुमिलता। कुछ इस प्रकार के पादप होते हैं जिनके पुष्प कभी नहीं खिलते हैं, अर्थात उनके पुष्प हमेशा बंद ही रहते हैं, फिर भी उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। ऐसे पौधों को, ऐसे पुष्प को अनुमिलता पुष्प कहते हैं। जैसे ग्रोसिरा, जंकस, वायोला, ओकेलस, इस प्रकार के इसके उदाहरण हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट समाप्त, इसके में से आप हम तीसरा पॉइंट शुरू करते हैं।